नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो जैसी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये अध्यक्ष बोले, क्या हाल चाल है? बहुत दिन हो गया, आपका फोन भी नहीं लगता था। आज हम कहीं बातचीत कर ले, मौसम अच्छा था, भाग्य अच्छा था कि आपका फोन लग गया। बताइए भैया, ये बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई बीएड बीटीसी का रिजल्ट पेंडिंग है ना? हाँ, वो आने जा रहा है, कब तक आएगा, क्या उम्मीद है? वो आ जाएगा 3-4-5 दिन में। इधर आज 14 तारीख है ना। जी, 4-5 दिन में आ जाएगा। अच्छा, इसी के कारण यूपी गवर्नमेंट शायद ये समायोजन नहीं कर रही शिक्षा में, तो जो स्टेट पास है भाई साहब, इनका तो हो जाना चाहिए ना? अरे जो भी होना है वो केंद्र सरकार को करना है, केंद्र सरकार ही करेगी। और केंद्र सरकार जो है इस पर लगातार काम कर रही है। जनवरी में दिल्ली में मीटिंग हुआ था, जी, सारे जो है मुख्य सचिवों को बुलाया गया था सभी राज्यों से। इसके बाद हाँ 17-18 जून को हुआ है पुणे में, उसमें शिक्षा सचिवों को स्पेशली बुलाया गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है शिक्षा मंत्रालय का राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो है फाइनल मीटिंग होने जा रहा है 3 अगस्त को। देखे होंगे, हमने डाला है, जी, 3 अगस्त को फाइनल मीटिंग होने जा रहा है। उससे पहले ये जजमेंट भी आ जाएगा। जी, इसी की वजह से सारा पेंडिंग था और सारा काम एक साथ होना है। शिक्षा मित्र जो हैं उनका भी समायोजन, और जो टेट पास हैं 2011 से अब तक उनको भी चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति, वो सब जो है इसी वजह से पेंडिंग था। तो अब जो है फाइनल जजमेंट आने जा रहा है। तीन जी, अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मीटिंग होने जा रही है, तो फाइनल मुहर लग जाएगा। उसके बाद अगस्त में सितंबर में जब भी जो है शुरुआत करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर में सब हो जाएगा। दिसंबर के पहले उम्मीद करें कि नौकरी मिल सकती है लोगों को, जॉब। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है, दिसंबर से पहले। चलिए, लोग आशा लगे, जिससे टेट निकला हुआ है सर, 2022 में हुआ, 23 में हुआ नहीं सर, 22 में हुआ था, उसमें सरकार मार्कशीट आज तक नहीं मिली हुई है। मार्कशीट मान लिया नहीं मिलो तो कोई इशू नहीं है, बीएड के कारण शायद रुकी है, प्रिंट करके नहीं दे रहे, क्या है बीएड का हाँ प्रश्न? हाँ वही जो जजमेंट आना है उसी वजह से सब रुका हुआ है। तो सर, ये जो लोग मतलब, अच्छा सुपर टेट तो नहीं होगा सर इन लोग का? देखिए सुपर टेट जो राज्य की सरकार में भर्ती करेगी उसमें तो होगा ही होगा, हर हाल में होगा। वो तो होगा नहीं सर, जो शिक्षा में तो पहले से है और टेट पास है। शिक्षा मित्र अलग मैटर है, और ये टेट पास वालों का बीएड बीटीसी का ये अलग चीज है। तो शिक्षा मित्र का जो है जो टेट पास है वो प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं है प्री प्राइमरी में, और कोई सुपर टेट उनका नहीं होना है, अच्छा डायरेक्ट होने जा रहा है। और ऐसे ही जो टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड और अन्य हैं जी, उनको भी चरणबद्ध तरीके से वर्षवार नियुक्ति बिना सुपर टेट के। ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार तो अपना जो भी भर्ती निकालेगी उसमें तो होगा ही सुपर टेट। अच्छा, ये केंद्र का है जो उसमें एलिजिबल होंगे। हाँ उसमें बस दो ही शर्त है कि टीचर ट्रेनिंग किया हो कोई भी, मेरिट जाए, मेरिट के हिसाब से होगा। हाँ, और उसके बाद टेट पास किया हो। अच्छा, वो पूरे मतलब जितने बीएड बीटीसी पुराने पड़े हैं सबको जान। हाँ हाँ एक एक तरफ से पहले 2011-12 इस तरह से क्रम से चलेंगे। हाँ, सबसे आवेदन ले लेंगे और क्रम से जो है एक एक करके नियुक्ति एक एक साल देते जाएंगे। अच्छा सर, हाँ हाँ सर। और इन लोग का सर दूसरे रास्ते होगा शिक्षा मित्र वाला, ये अलग मैटर है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है कई सालों से वहाँ लगे हुए हैं। जी, तो इनका अलग मैटर है, जी संविदा कर्मी है ये। हाँ है तो, लेकिन अब मानते कहाँ है, अभी तो देखिए जून का भी पेमेंट काट लिया है इन लोग का, पहले 11.5 महीने तक दिया था, फिर अब देना बंद कर दिया, 11 ही महीने कर दिया, तो एक एक भी कॉलेज बंद रहता काट लेते हैं लोग। संविदा का मतलब ही होता है टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी का मतलब कभी नहीं कि 12 महीने का वेतन, टेम्प्रोरी मतलब 2-4-6 महीना 10 महीना जितना उनको जरूरत होगा उतना ही काम कराएंगे, उतना वेतन देंगे, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है संविदा वालों के लिए। संविदा कभी भी जो है राज्य के कर्मचारी में गिनती नहीं होती है उनकी, वो संविदा कर्मी ही अलग होते हैं। और संविदा कर्मी चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में हो, चाहे केंद्र सरकार के अंडर में हो, चाहे राज्य सरकार के अंडर में हो, संविदा कर्मियों की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो कूड़ा होते हैं। बस जरूरत है काम कराया उसके बाद लात मार के भगा दो। जी, उनका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं होता है, और जो परमानेंट होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड नीचे से ऊपर तक हर जगह रहता है। ये तो एक कम्प्रोमाइज है कि आपके पास जगह मतलब काम करने वाला नहीं है, कुछ दिन के लिए रख लिया फिर दूसरा आया निकाल दिया। हाँ वो अलग बात है कि सरकारों ने जो पिछली रही हैं उन लोगों ने इस प्रक्रिया को लंबे समय तक चलाया और उन्हीं लोगों को रखते चले गए जो पहले से थे। जी, रिन्यूअल नहीं, रिन्यूअल करके फिर वो लोग पुराने हो गए, वही दिक्कत हो गई सब। हाँ, तो जबकि नियम ये कहता है कि 2 बार से ज्यादा किसी को रिपीट नहीं करना है। जी, 11-11 महीने का ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकता है और फिर रिपीट नहीं करना है सेम व्यक्ति को। तो जो नियम पहले से थे लेकिन उनका पालन नहीं हुआ, इनका संगठन बन गया, ये विरोध करने लगे, चूंकि 10-20 साल से लगे हुए हैं
इस वजह से गवर्नमेंट इनके लिए अब आगे रास्ता तैयार कर रही है, लेकिन अब भविष्य में जो भी संविदा कर्मी होंगे, जहां हाँ दो भी होंगे, चार जिस विभाग में, उनको जी ज्यादा से ज्यादा 2 सत्र के लिए मौका हाँ मिलेगा, उसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा, फिर गैप करेंगे, 1-2 साल बाद फिर आएंगे तो फिर मौका मिलेगा, लेकिन लगातार उनको इतना लंबा समय नहीं मिलेगा। अच्छा यही नियम है, आप कभी भी पता कर लीजिएगा, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में ऐसे ही चलता है। अच्छा वहां के दो चार सर वहां पर आप कोई कोई स्कूल 1 साल, उसका दूसरे साल रिपीट नहीं करेगा, 1 साल गैप कर देगा, फिर उसके बाद आप आइए तो 1 साल गैप करके अच्छा उसके बाद आप पर कंटिन्यू विचार करेंगे, कंटिन्यू नहीं देंगे। कंटिन्यू नहीं करना चाहते भी हो हाँ, तो कोई स्कूल 1 साल के बाद गैप करा देता है, कोई कोई स्कूल जो है 2 साल पर गैप करा देता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। क्यों? क्योंकि आज से करीब करीब 15-20 साल पहले केंद्रीय विद्यालय वाले भी गए थे, जो संविदा कर्मी थे, परमानेंट की जी मांग करने, जी वो भी लड़ाई लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि भैया हम आपके लिए कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे अन्य और लोग हैं जो बाहर बैठ के भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और अगर 100 सीट है और 100 सीट आपसे भर दी जाएगी तो उनके तो अधिकारों का हनन होगा, और समानता के अधिकार के तहत ये नहीं हो सकता। जी तो भर्ती अगर 100 सीट है तो उस पर विज्ञापन जारी होगा, उसमें आप भी भरिए, वो भी भरेंगे, जिसका सिलेक्शन हाँ होगा वो हाँ ले जाएगा। तो इसी कारण से जो है जितने भी संविदा कर्मी जाते हैं कोर्ट कचहरी करते हैं, उनके फेवर में जजमेंट नहीं आता है। बिहार वाले गए थे नियोजित शिक्षक, उनकी भी जी उनके खिलाफ भी जजमेंट हो गया, कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया ठीक है आपकी हर बात सही है, जायज है, लेकिन उसमें लेकिन लगा करके फिर सब खत्म, खारिज। रिटर्न कर शिक्षा शिक्षा विद का समाज शिक्षा हुआ वैसे ही वो भी खारिज हुआ। अच्छा सर बिहार में जो नियुक्ति कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं सर वहाँ जो शिक्षा मित्र हैं उनका कैसे क्या हो रहा है सर भाई वहाँ शिक्षा मित्र जो भी हैं, चाहे यूपी में शिक्षा मित्र जहाँ भी हैं और अन्य राज्यों में जहाँ भी हैं, जी सबका जो है समायोजन होने जा रहा है, और जो चीज़ें यूपी में होने जा रही हैं ये यूपी के लिए नहीं, हम बता तो रहे हैं, केंद्र सरकार करने जा रही है ये सब पूरे देश में पूरे, होने हाँ तो सब जगह, सभी राज्यों में। टेट तो सर बिहार में क्या पूरे सब जगह अनिवार्य होगा हर राज्य में 2009 में आरटी एक्ट आया और 2010 से ही टेट हर राज्य के लिए अनिवार्य है, अच्छा तो हर जगह के लिए है ना, चाहे वो यूपी हो चाहे कोई भी बिहार राज्य। सरकार सर कराती है टेट कि नहीं बिहार टेट होता है कि नहीं होता अब तक 2 बार कराई है, हमारी अच्छा दो बार जानकारी में 2 बार कराई है अब तक। अच्छा सर ये क्या राज्य एक राज्य के टेट वाले राज्य स्टेट लेवल के जो टेट पास हैं दूसरे राज्य में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं जिस स्टेट का आप टेट पास किए हैं वो टेट उसी स्टेट के अंदर ही काम आएगा, अदर स्टेट में नहीं, अगर और सी टेट जो है वो केंद्र में, राज्य में, किसी भी राज्य में हर जगह। वो तो देश भर में आ जाएगा ये तो 2010 में जब टेट सी टेट आया था तभी से ये नियम है ना। अच्छा सर ये वही हम सर जैसे कुछ होता है हिंदी भाषी राज्य के लिए रहता है कि एक राज्य में क्यों दूसरे में चल जाता है देखिए सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तब जब आप जी एक बार जा करके सारा रूल पढ़ लेंगे, नियम पढ़ लेंगे, तो एक बार पढ़ लेंगे हमेशा के लिए जानकारी हो जाएगी। तो जी एक बार आरटी एक्ट पढ़िए, एक बार जो है टेट का नियम पढ़ लीजिए, एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिए, सब आपको समझ में आने लगेगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सर जितनी शार्पनेस से आप पढ़े हैं ना सर हम लोग तो मेन मेन बस इतना ज्यादा है बस मेन मेन चार छह लाइन देखे हाँ। अब आपको तो एक एक वर्ड बाई वर्ड जैसे रिसर्च किए हो उसको इतना वर्ड एक एक चीज पता है भाई हम लोग जैसे इतनी इतनी लंबा है कि उसमें 10-20 पेज में दो चार पैराग्राफ हम लोग देखते हैं जो काम का दिखता है और तो बहुत चीजें हम लोग के समझ में नहीं आती सर के ऊपर से बाउंस कर जाती हैं आप एक चीज बताइए, आप जी जब स्कूल में पढ़ रहे थे कक्षा 6 में 7 में 8 में या जिस भी स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, क्या जी आप उस वक्त किताब का एक एक पेज पढ़े और एग्जाम दिए? नहीं सर ज्यादा तो नहीं पढ़े पूरा किताब कोई नहीं पढ़ता ना, कोई नहीं पढ़ता सर जो मेन मेन होता है वही पढ़ता मेन है मेन वही पढ़ता है। और सब आता भी नहीं है बहुत चीजें बेकार के ही आज पढ़ा नहीं आता आता भी नहीं है आज के टाइम में आप अगर सुबह अखबार उठाकर पढ़ते होंगे तब भी सारे न्यूज नहीं पढ़ते होंगे, खास खास न्यूज बस रहता होगा वही पढ़ते होंगे, बस तो ऐसे ही हर कोई पढ़ता है। ठीक है, तो आप मत पढ़िए पूरा, आप जो है ले करके उसको, उसमें इंडेक्स बना हुआ है कहाँ पर जी क्या है, वो ध्यान दे करके खोज खोज करके मुख्य मुख्य चीज तो पढ़ लीजिए, जी जैसे कहीं अखबार में आया कोई चीज, या हमसे कोई चीज सुने, या कहीं कोई नहीं चीज सर सुने, देखते हैं वही पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं चलो ये लिखा है पढ़ के नहीं लिखा नहीं होगा जो चीज कहीं से भी सुन रहे हैं तुरंत खोलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसको खोजिए, इसमें इसके बारे में कुछ है कि नहीं है, या उससे संबंधित कोई चीज गूगल करके खोज करके पढ़िए कि क्या है। जैसे आपने सुना समग्र शिक्षा अभियान, एक बार खोल लीजिए समग्र शिक्षा अभियान, पढ़ लीजिए उसके बारे में, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। फिर किसी दिन आपने कहीं से सुन लिया सर्व शिक्षा अभियान पहले होता था, खोल लीजिए एक बार सर्व शिक्षा अभियान, फिर खोल लीजिए निपुण भारत, कभी सुना आपने, कभी आपने किसी
प्रेरणा सुन लिया, कुछ भी सुने आप, खोल लीजिए गूगल पर, उसके बारे में 2-4-10 लाइन पढ़ जाइए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब क्या है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा कौन व्यक्ति सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, आप उसकी पहचान कर पाएंगे। आपको दूसरों से कोई जानकारी लेनी नहीं होगी, आप खुद ही लोगों को बता रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ये नहीं है ये है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने वाली बात है। जब आप इस विभाग में आ गए हैं तो इस विभाग के कीड़े बन जाइए ना एकदम, एक एक छोटी बड़ी चीज पर नजर रखिए। अच्छा सर, ये जो शिक्षा मित्रों का करेंगे तो इनका क्या वैकेंसी निकालेंगे, कैसे करेंगे इनका समय? अच्छा, पूरे देश में नियम आएगा बिना वैकेंसी के कोई चीज नहीं होगा। नियम ये है जी, कोई भी काम करने से पहले जी, आपको जो है उसकी जानकारी आम जनता को विभिन्न माध्यमों से देना होगा। यानी कि गवर्नमेंट कोई भी चीज करने जाएगी तो करने से पहले उसकी जानकारी हर किसी को देगी, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। बैकडोर एंट्री कहानी का लटका थे, लोगों को उलट गया था समय। बिना जानकारी दिए कोई चीज अगर कोई करता है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल ही है, आप देखेंगे वो भी अपने हैं टीचर, चाहे तो उनके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, चाहे तो भर्ती करके उनको रख करके अपना काम चलाएं, लेकिन नहीं वो विज्ञापन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि नियम ये कहता है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी को कुछ भी करने से पहले उसकी जानकारी आम जनता तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचाना है। इसीलिए स्कूल वाले या कोई कंपनी वाले क्या करते हैं, अखबार में इश्तेहार देते हैं, भले वो रख लें अपने रिश्तेदार को, वो अलग बात है, लेकिन उनको नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो जो कुछ किए भी हैं वो सब रद्द हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अखबार के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। अब 10 लोग आ गए, एक उनका कैंडिडेट भी उसी में आ गया, उसी का होना है, होना तो उसी का है, लेकिन कम से कम फॉर्मेलिटी पूरी कर दिए ना कि हाँ हमने ये सारी चीजें की थी, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की। हाँ, और जिसका होना है वो ऐसे रूल बना देंगे उसी का होगा। हाँ, तो ऐसे ही विज्ञापन गवर्नमेंट निकालेगी, केंद्र सरकार घोषणा करेगी। 3 अगस्त को मीटिंग होने जा रहा है ना, फाइनल मीटिंग है ये। 18 को पुणे में सभी शिक्षा सचिव जो अपना रिपोर्ट दिए हैं जी, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये फाइनल मीटिंग होने जा रही है। तो उसके बाद जो है घोषणा होगी, विज्ञापन आएगा, सब लोग आवेदन करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अभी आवेदन करने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसके तहत होगा सब कुछ, विज्ञापन में सब कुछ लिखा रहेगा कैसे क्या होना है। हाँ, मतलब सितंबर अक्टूबर लग जाएगा सर, अगस्त के बाद 2023 में इनको कर देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर काम के लिए एक डेट लिखा हुआ है कि किस डेट तक क्या करना है। तो 2022 जो डेट था वो संविदा समाप्त करने का, जो योजनाएं हैं संविदा वाली जी, उनको समाप्त करने का जो डेट 2022 रखा गया था, यानी अब धीरे धीरे सारे संविदा योजना बंद करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा में संविदा योजना बंद करने जा रहे हैं जी। तो 2022 का सत्र जो है मार्च में खत्म हो गया, अब नया सत्र शुरू हो गया है। हाँ, उनको परमानेंट करके ये शिक्षा में संविदा पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और जो टेट पास कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार जितने भी पद खाली हैं सबको भरना है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए तो घोषणा कर भी दिया, अखबार कटिंग हम डाले थे जी, कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। तो उसकी तैयारी चल रही है, 3 अगस्त के बाद जो है मीटिंग होने के बाद सारी चीजें देखिएगा, 1-2 महीने के अंदर सब सामने हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं, डेमो वाले वो सब अभी नहीं हो रहा है, स्टेट में होगा, सी गवर्नमेंट निकालेगी, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, वो आगे की भर्तियों में होगा, उसमें तो बहुत चीजें और टफ करेंगे, मैं लगता है कि इतने कैंडिडेट हो गए तो इंटरव्यू हर चीज करना। देखिए, जो सिलेक्शन प्रक्रिया होती है उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जितनी सीट है उससे ज्यादा लोग हैं, किसी न किसी को तो देना है, उनमें से बेहतर को जो है छांटना है। अच्छे से तो उसके लिए तरह तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं कि भैया, पहले था कि हाई स्कूल पास को रखेंगे, फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ी लोग बढ़ते गए तो यही हुआ कि इंटर पर रखे जाएंगे, इंटर के बाद हुआ कि भैया ग्रेजुएशन पर रखे जाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद हुआ कि ट्रेंड टीचर रखे जाएंगे, ट्रेंड के बाद हुआ कि टीटी पास वाले रखे जाएंगे, टीटी वाला हो गया तो कुछ समय बाद हो गया कि भैया सुपर टेट आ गया। अब सुपर टेट आ गया तो अब जो है अगला जो है वो आयोग कराएगा, तो आयोग कराएगा तो वो प्री कराएगा, मेंस कराएगा, माइनस मार्किंग होगा, इंग्लिश कंपल्सरी रहेगा, इसके बाद फिर इंटरव्यू डेमो लगा देंगे। तो ये क्राइटेरिया एक बनाते हैं ताकि फिल्टर करें लोगों को। भीड़ तो आ ही रही है, उनको तो लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें जो बेहतर से बेहतर है उनका चुनाव कर सकें। जी। तो बस उसी हिसाब से बना रहे हैं। अभी देखिए यूपी में भी हो जाएगा, प्री मेंस 2 पेपर होंगे,
इसके बाद हो जाएगा कि भैया प्राइमरी में भी जो है अलग अलग विषय के टीचर रखे जाएंगे, उसका अलग अलग भर्ती आएगा, मैथ के टीचर के लिए अलग भर्ती आएगी, हिंदी के लिए अलग आएगी। अभी तो एक ही टीचर सब पढ़ा रहा है। हाँ, अभी तो सब मिला के वही चल रहा है। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है इसका जिक्र कि हर विषय के लिए स्पेशलिस्ट रखे जाएंगे। तो स्पेशलिस्ट रखे जाएंगे इसका मतलब ही हो गया ना कि हर विषय के अलग अलग भर्ती आएगी। जी सर, जानकारी, जैसे बच्चा है, एक बच्चा जैसे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, कि थर्ड ईयर में जाएगा, इसके बाद बीए के बाद उसको बीटीसी कराना, डीएलएड कराना उचित है कि बीएड? अभी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है ना, अभी जाएगा गया नहीं है, मान लीजिए जुलाई में उसका फोर्थ सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर वाले में है। तो बीएड कराइएगा, डीएलएड और अन्य कोर्स तो बंद हो रहे हैं ना। जी, डीएलएड बंद हो रहा सर, कि बीएड क्या है कुछ ये क्लियर हो जाए तो क्लियर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ और सिर्फ बीएड के बारे में है लिखा हुआ, यानी कि बीएड रहेगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी दो बार घोषणा कर चुके हैं मंच से, अखबार में भी आ चुका है जी, कि डीएलएड और अन्य जो कोर्स हैं बीएड को छोड़ करके उनको 2030 के बाद वो लेंगे ही नहीं। अच्छा, ये 30 तक कहीं एडजस्ट हो गए, प्री प्राइमरी वगैरह में हो गए नहीं तो कहीं भी, हाँ, गवर्नमेंट में नहीं जा पाएंगे फिर। और आप देख लीजिए आंकड़ा उठा करके, 2,80,000 के आसपास सीट है डीएलएड की। हाँ, साल निकलती और जी। फॉर्म पर कितने भरे गए हैं, सिर्फ 60,000 लोगों ने भरा है। आपकी तो भुला भुला सर एडमिशन नहीं ले रहे, हमारे तो अगल और बगल कॉलेज। एडमिशन एडमिशन प्राइवेट में तो छोड़िए, लोग गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले रहे हैं, हाँ, जान रहे गवर्नमेंट कॉलेज में कोशिश। भी नहीं ले रहे हैं। अभी एक जो है मैडम जी से बात हो रहा था, ऑडियो हमने डाला भी था, जी, वो एक डीएलएड कॉलेज में पढ़ाती हैं, वहाँ की हेड हैं। हाँ, तो इस साल उनके कॉलेज वाले ने कहा है, मैडम जी जितने भी टीम स्टाफ थे वहाँ सबको कहा कि मैडम जी इस साल नहीं आना है, एडमिशन ही नहीं हो रहा है, सब लोग घर बैठी हैं। अब क्या करें, सैलरी कहाँ से देगा जब फीस जब एडमिशन ही नहीं हो कहाँ रहे हैं, बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से। तो अब जो है एडमिशन सब कोई भाग रहा है बीएड की तरफ, पूरे भारत को पता हो गया है कि भैया सिर्फ बीएड रहेगा। सर, ये बीएड 1 साल वाला भी होगा कि 3 ही साल का, 2 साल वाला? बीएड 2 साल वाला इस समय चल रहा है, एक का भी रूल आया था लेकिन अभी आया नहीं शायद सर। हाँ हाँ पहले चालू करेंगे 4 साल वाला पूरे भारत में, अभी अच्छा कहीं कहीं चल रहा है जी धीरे जी धीरे 4 साल वाला, यानी कि इंटर के बाद जो है जैसे लोग बीटेक करते हैं, हाँ, काम करते हैं या जो भी करते हैं, तो प्रोफेशनल एकदम उसी के बारे में सोचते हैं, वही बनना है उन्हें। जी, ऐसे ही टीचर जिनको बनना है वो तुक्का से ना आए, मजबूरी में ना आए, हाँ, पहले से तय करके आए कि उन्हें टीचर ही बनना है, तो जी, इंटर के बाद 4 साल वाला वो लेकर आ रहे हैं बीएड, अपना कैरियर सही कर लें। हाँ वो डिसाइड करके हमें बीटेक पढ़ना। बीटेक एमटेक सब घुसने जा रहे हैं, जब जॉब इसमें सैलरी अच्छी हो गई, सैलरी अच्छी होने का गवर्नमेंट में बीटेक का आप देखे नहीं, बीटेक में परसेंटेज अच्छी रहती है, बच्चे डीएलएड करके इसी घुसे जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलनी नहीं है उनको, इंजीनियर से अच्छी सैलरी तो इसमें पा रहे हैं वो, कंपनी में 15-20 हजार यहाँ 45-50 हजार पा रहे हैं, और फिर वो इतने इतना गधे भी होंगे तो इसमें तो टॉपर रहेंगे, इसमें तो हाई फाई माने ही जाएंगे हाँ इनके। हाँ 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 बिल्कुल। तो उनके लिए भी है कि ग्रेजुएशन के बाद भी जो है 2 साल वाला चलता रहेगा, और जी मास्टर डिग्री के बाद 1 साल वाला वो भविष्य में आएगा, अभी नहीं, भविष्य में जैसी जरूरत होगी उसको देखते हुए। अच्छा, मतलब सर वही 2 साल वाला कराएं फिर? हाँ, हाँ, 4 साल, दो मतलब साल और भविष्य में फिर 1 साल वाला। हाँ, वो टाइम है तब तक, ग्रेजुएशन बाद बीएड ही ठीक है, पीजी बाद में कराए, बीएड पहले करा दे। जी, तो अभी जो है काफी कुछ हो रहा है बदलाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफी कुछ लेकर आए हैं, क्रमशः धीरे धीरे सब लागू कर रहे हैं, तो सब होगा। खैर अभी तो मुख्य रूप से जो नजर है वो 3 अगस्त के मीटिंग के बाद जो घोषणा होने वाली है उस पर, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक उम्मीद है सारी चीजें हो जाएंगी। ये तो हमें लग रहा है सारे जजमेंट भी बीएड के फेवर में ही आएगा, वो देखिए जब नई शिक्षा नीति में लिख जाए कि इनको रखना ही नहीं है तो बीएड में आएगा फैसला, और क्या, बीएड के पक्ष एक में तो आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड है पहली बात, दूसरी बात हाँ जो नियम बनाने का अधिकार है वो पहले यूजीसी के पास था, और यूजीसी से जब लिया गया फिर जी एनसीटी को दे दिया गया, जी जी ठीक जी है। तो आज के तारीख में सारे जी अधिकार, सारे नियम कानून बनाने के अधिकार एनसीटी के पास हैं, और एनसीटी ने अपने अधिकारों के तहत ही ये किया है, और एनसीटी को जी कोई सपना नहीं आता है, वहाँ जो बैठा अधिकारी है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, उसको ऊपर से आदेश मिला है तब किया है। जब जी ऊपर से आदेश मिला है तो जो ऊपर बैठा हुआ है जिसने ये करवाया है वो सारी चीज़ों को जानता है कि आगे कैसे हैंडल करना है, और सारी तैयारी करके किया है, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी एनसीटी के पक्ष में आने जा रहा है, बीएड बाहर नहीं होगा। बीएड ही हमें लगता रहेगा ही, बीएड ही रहेगा। पता है ये जो वैकेंसी है इनमें अभी कुछ चांस दे दें डीएलएड वालों को भी।
ऐसा घुल मिल के सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट देगा कि घुल मिला के रहेगा कि दोनों तरफ से रहेगा। नहीं देखिए, जो जजमेंट आना है उसमें मैटर है क्या बीएड को बाहर करने का ना, और किसी का लाभ या हानि वहाँ नहीं है। हाँ वो होना नहीं है। अगर बीएड को बाहर कर देंगे जी, तो बीएड का नुकसान होगा, और हाँ अगर बीएड को बाहर नहीं करेंगे, किसी का हाँ नुकसान नहीं है, कोई बाहर नहीं हो रहा, जी, तो कि कोई बाहर हो ही नहीं रहा है, तो और बीएड जो अंदर किया गया है नियम अनुसार किया गया है, तो जजमेंट तो कॉमन सी बात है। चाहे अपने मन को भुलाने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन वास्तविकता ये है, 4 दिन बाद देखिएगा जब जजमेंट आएगा, वो एनसीटी के पक्ष में रहेगा, बीएड बाहर नहीं होगा। सही है सर। ये तो किसी का मतलब व्यवहार करने से अच्छा अच्छा करना ही जजमेंट दे। तो बस 4-5 दिन और जजमेंट आने जा रहा है। ठीक है सर, और सर बढ़िया है। ठीक चलिए ठीक है, रखें भैया। ठीक है सर।